सम्राट क्लासेज में पुनः मैं सम्राट सर सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। और आज का मेरा जो टॉपिक होगा वांटेड टू होगा, क्या होगा? यूज ऑफ वांटेड टू। देखिए बाबू, आज का जो मेरा टॉपिक होगा यूज ऑफ वांटेड, यहाँ पर हो जाएगा वांटेड टू। आज का मेरा यही टॉपिक होगा यूज ऑफ वांटेड टू। मैं वांट टू चाहे वांट्स टू तो मैं प्रयोग पाया हूँ ना, आज होगा वांटेड टू। तो वांटेड देखो, इसका वांटेड टू का इसका कैसे पकड़ेंगे कि वांटेड टू का प्रयोग होगा? देखिए उसमें चाहता है, चाहती है, चाहते हैं, प्रेजेंट टेंस में होता था वांट टू चाहे वांट टू में, लेकिन इसमें वांटेड आ गया तो पास्ट में भागेगा ना, तो पास्ट में भागेगा तो यहां पर देगा चाहता था, उसके बाद से चाहती थी, और उसके बाद से चाहते थे, आ ना ही तो बाबू है दे दी चाह का दे दी चाह, तो हमने के जान जाए कबा मन मने मान जाए कबा कि कौन चीज का प्रयोग होगा, तो वांटेड का प्रयोग किसका होगा? तो वांटेड का। अब देखिए वांटेड टू तो चाहता था, चाहती थी, चाहते थे, नहीं तो लास्ट में क्या देगा? तो चाह देगा, तो हम जान जाएंगे कि किसका प्रयोग है वांटेड का। अब देखिए इसका मैं अफर्मेटिव सेंटेंस कर रहा हूं, अफर्मेटिव सेंटेंस। जितने लोग बैठे हैं पीछे से आप लोग इसे नोट करते रहिए और बोर्ड पर देखिए। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? साधारण, क्या होता है? साधारण। अब देखिए इसका मैं फॉर्मूला बाबू सेट कर रहा हूँ, ये कुछ हटकर है, ये सटकर नहीं है, ये कुछ कहाँ है, कुछ हटकर है। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, क्या होगा? सब्जेक्ट। और उसके बाद से वांटेड टू, क्या होगा? वांटेड टू। और उसके बाद से यहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद से क्या होगा यहाँ पर? ऑब्जेक्ट, क्या होगा? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ ईटीसी कर करके और लास्ट फुल स्टॉप हो गया ना। अब यहाँ पर देखेंगे इसमें, देखिए वांटेड टू की बात है ना, तो वांटेड टू में यहाँ पर बाबू सिमिलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट, मैंने सिमिलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट, एक वचन करता है बहुवचन करता हो, दोनों इसका प्रयोग करेंगे वांटेड टू का। और देखिए मैं कुछ एग्जाम्पल लेकर आया हूँ और यहाँ पर मैं समझाऊंगा कैसे बनेगा। तो देखिए आप नोट करते रहिए, वो खेलना चाहता था, चाहे वो खेलना चाह, एक ही बात हुई ना, वो खेलना चाहता था चाहे वो खेलना चाह। अब इसका बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही है, और ही के बाद क्या लगेगा बोलो, क्या लगेगा? वांटेड, क्या लगेगा? वांटेड टू, यहाँ पर हो जाएगा आपका वांटेड और उसके बाद टू और मेरे पास फर्स्ट फॉर्म। तो प्ले में क्या होता है? खेलना, इसको डाउट नहीं ना है। अब एक और देख लीजिए, मैं जाना चाहता था चाहे मैं जाना चाह, एक ही बात हुआ, डाउट नहीं है ना, एक दोनों को बनी हुआ एक रूप में बनी। तो देखो लो यहाँ पर सबसे पहले क्या हो जाएगा? आई, आई क्या है? तो बोलो बोलो, हमारा सब्जेक्ट है, आई क्या है? हमारा सब्जेक्ट, तो आई हो गया, इसके साथ क्या लगेगा? इसके साथ का चाहे सिंगुलर एक वचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट, दोनों के साथ वांटेड टू लगेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? वांटेड, क्या हो जाएगा? वांटेड, उसके बाद से टू, फाइंड आउट, डाउट नहीं है। अब देखिए यहाँ पर अब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब का फर्स्ट क्या है? जाना। अरे पहले की मतलब न यही बोलती है कि बाबू हमने घुमावा जी, चाहे चाहता था, चाहती थी, चाहते थे रही, अरे तो चाह देती, तो अगर दे देगा तो हम जान जाएंगे, मन में मान जाएंगे किसका प्रयोग है, तो वांटेड का है, वांटेड का प्रयोग है। यहाँ पर ही वांटेड और उसका टू छूटा है, टू क्या हो जाएगा? प्ले। और इसमें देखिए, मैं जाना चाहता था चाहे मैं जाना चाह, एक ही बात हुआ ना, यहाँ पर सीधा आई और उसके ऊपर वांटेड टू, अब गोमने क्या होता है? जाना। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक आप लोग इसे लाइक कीजिए भाई, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक्स।